बिलासपुर से, जहां पर डीईओ के ठिकानों पर एसीबी की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। दरअसल डीईओ टीआर साहू के यहां एसीबी ईओडब्ल्यू का छापा, टीआर साहू को उनके कार्यालय लेकर पहुंची है टीम और कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी साहू से पूछताछ। टीआर साहू के बिलासपुर कवर्धा आवास पर छापा, आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर कार्रवाई। डीईओ के ठिकानों पर एसीबी की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है और आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। और सत्ता में बारिश आफत बनी हुई है। दरअसल स्कूल्स में पानी भर गया है 3-3 फीट तक, और पानी भर जाने से स्कूल में छुट्टी करनी पड़ी। उच्चतर माध्यमिक स्कूल चुराहाट हटा का ये पूरा मामला है और ये सतना से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि 3 फीट तक पानी स्कूल के अंदर भरा हुआ है और स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी। दरअसल छुट्टी पानी लगने की वजह से करनी पड़ी है और यहाँ माध्यमिक स्कूल चुराहटा का ये मामला है। लड़का 12 के बच्चे उस स्कूल चले आखिर ना ही लड़का छुट्टी हो। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सतना से पानी भर जाने की वजह से स्कूल में छुट्टी करनी पड़ी और सतना से सामने आई तस्वीर। और खबर कोरबा से, जहां बारिश के पानी में कार बहने लगी। आपको बता दें कि आरएसएस नगर में सड़क पर कार बहने लगी, बाल बाल बची कार, चालक की जान पोड़ी बहार। रविशंकर नगर मार्ग पर यह हादसा हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। और राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश होने से कई इलाकों में पानी भर गया है। दरअसल गुढ़ियारी रेल ओवर ब्रिज के नीचे पानी भरा हुआ है। रायपुर शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, राहगीरों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। आप देखिए ये तस्वीर जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि आखिर क्या हालात यहां पर बने हुए हैं। और लगातार हो रही बारिश के बाद हालात कुछ इस कदर बन गए हैं। रायपुर से सामने आई तस्वीर, और चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं।